केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज आईआईएम अहमदाबाद द्वारा आयोजित हेल्थ केयर समिट को संबोधित किया। आईआईएम अहमदाबाद के आरजेएम ऑडिटोरियम में उन्होंने कहा कि कोविड के बाद पिछले 3 से 4 सालों में दुनिया भर में स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां बढ़ी हैं। अब दुनिया भर के देशों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर्स की कमी को भी पूरी करनी है, हेल्थ को एक्सेसिबल बनानी है, यानी कि आपको रूरल एरिया तक हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करनी है, टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनानी है। ये सब सारी इकोसिस्टम के लिए आप सोचेंगे तब आप एक हेल्थ सिस्टम को बना पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए देश में डॉक्टर की कमी दूर करने से लेकर ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, लास्ट 3-4 साल से जिसके बारे में सबसे ज्यादा नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वर्ल्ड वाइड डिस्कशन हो रहा है। हम सब लोगों ने हमारी क्या कमी है, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, पेंडेमिक ने हमें बता दिया और यही क्राइसिस ने हमने हेल्थ सेक्टर के लिए रीथिंकिंग के लिए हमें सूचित किया है, रीप्लानिंग करने की आवश्यकता है उसके लिए हमें प्रेरित किया है और हेल्थ सेक्टर में रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है उसके लिए हमें सोचने के लिए दिशा निर्देश इस घटना से हमें मिल रहा है। साथ ही श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक देश में एमबीबीएस की जितनी सीटें थी उससे अधिक मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में बढ़ाई हैं। आजादी के बाद 2014 के पहले देश में एमबीबीएस की सीट केवल थी 52,000, आज 9 साल में 1,07,000 एमबीबीएस की सीट है। दिस ईयर वी हैव गिवन टू अप्रूवल ऑफ 54 न्यू मेडिकल कॉलेज। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन की आज 3री वर्षगांठ है। इस अवसर पर भगवान राम लल्ला का दरबार फूलों से सुसज्जित होगा।